फैसला किसका तस्लीम होगा। कहने लगा वो तीन चौधरियों की बात मानी जाएगी। तो उसने कहा हमारा फिर क्या झगड़ा है, तीन इमाम रफाईदान करते हैं एक नहीं करता तो किसकी मानते। तो उसकी इतनी बात पर आठ नौ बंदे मौके पर आए। उसने कहा देखो सारा दो घंटे लगाए तो अल्लाह ताला से हम तवक्को करते हैं कि इस तरह के लोग आते रहे, हरकत पैदा होती रहे, लोग रिसर्च तहकीक करें, ग्रान दिन बढ़ते रहे। अब वहां पर अल्हम्दुलिल्लाह डबल स्टोरी बहुत बड़ी मस्जिद जो है ना वो खिची वाले के साथ ही कस्बा मौजूद है। हम दूर क्यों जाए, हमारा अपना हाल ये है कि हम देवबंदियों से अहलदीस हुए। मैंने इब्तदाई जितनी कुतब हैं ग्रामर की, कुरान का तर्जमा मिश्कात तक किताबें, इस तरह कदूरी, ये जितनी इब्तदाई किताबें सारी देवबंदी, क्योंकि आप बड़ी हो लेकिन अल्लाह ने हिदायत अब देनी थी। एक दिन गांव की हमारी मस्जिद में इतनी सी अलमारी थी तो उसमें किताबें रखी थी मौली साहब ने, दिलबदीर साहब हमारे उस्ताद थे। वो मैंने एक दिन खोला तो उसमें ना बुलूगुल मराम किताब निकल आई। मैंने अपने उस्ताद से पूछा मौलाना ये किताब कौन सी, कह रहे हदीस की किताब है, बड़ी अच्छी किताब है। तो मैंने कहा आप हमें फिका पढ़ाते हैं साथ ये भी पढ़ा दिया करें। कह रहे ठीक है इसका भी आप सबक ले लिया करें। तो बुलूगुल मराम जब पढ़नी शुरू की ना कदूरी के साथ साथ मिश्कात तक दरस होता था तो वो भी साथ लगा ली। जब वो नमाज के मसाइल शुरू हो गए, हदीसें आना शुरू हो गई तो मौली साहब ने कहा ये भी नबी अलैहिस्सलाम की सुन्नत है, कभी कभी अमल कर लिया। वो मैंने जेन में बिठा ली बात, भाई उस्ताद फरमा रहे हैं कि ये भी रसूलुल्लाह की सुन्नत है तो इस पर अमल कर लिया करो। मैंने और एक मेरे साथ और साथी था उसका नाम असल माइकल आर्मी में होते हैं मुल्तान में, तो हम दोनों ने रफाईदान शुरू कर। दो चार दिन गुजरे वो देखते रहे, कहते मैंने आपको कहा था कभी कभी कर लिया करो तो आप मुस्तकिल शुरू। मैंने कहा आपने तो खुद ही बताया ये हदीसें भी सही रसूलुल्लाह की सुन्नत है, पर सुन्नत पर अमल करें कभी कभी का क्या माना है। मुझे कहने लगे बात ये आपको पता ही बरेलवी है ना, ये हमें वाबी कहते हैं, देवबंदियों को वाबी कहते हैं और हदीसों को भी वाबी कहते हैं आज तक, चूंकि आज हमने भी बरेलवी में कुछ नहीं कहना। उसने कहा था ना कि वो तकरीर हो रही है तो बीच में रुका दे के हमारी तवज्जो इधर उधर हटा देते हैं, तो ब्रेलवियत की तरफ है। हमने उनको कुछ नहीं कहना, वो मेरे भाई ने बताया कि दादी हैं उनके, जिस तरह अमरीका ने इताद किया ना बाकी लोगों के साथ, ये भी उनके इतिहादी। तो मुझे कहने लगे कि हमारी मिसाल जो है ना वो सबज तोते की मिसाल है। गौर करें सबज तोता जो होता है ना जब वो दरख्त के अंदर बैठा होता है ना तो कहते हैं सबज पत्तों में बैठा नजर नहीं आता, पता नहीं चलता। तो कहते हैं वो कहने लगे देवबंदियां हम बरेलियों जब जाते हैं तो हम इनमें पता नहीं चलता कि देवबंदी है कि बरेलवी है, अंदर घुस के हम तबलीग कर लेते हैं, अगर रफाईदान शुरू कर दी दूर से पता चल लगा ये बात। फिर उन्होंने मुझे एक कहानी सुनाई, कहने लगे शाह इस्माइल शहीद की तहरीक में अहल हदीस भी थे तो देवबंदी भी थे, तो किसी ने ना आमीन बिल जहर के खिलाफ बात शुरू कर दी। तो कहते शाह इस्माइल शहीद रहमतुल्लाह अलैह ने, मैंने तो नहीं कहीं पढ़ा ये मैंने उनसे सुना था, कहते हैं कि उन्होंने तलवार निकाल ली किसी और को इमामत पे खड़ा कर दिया, कहा तुम नमाज पढ़ो, सारे पीछे ऊंची आमीन कहना, इसलिए आमीन ना कही मैं उसका जो सर गर्दन से उठता करता था। मैं और पक्का हो गया, मैं कहा इतना पक्का मतलब शाह साहब कहते हैं जो आमीन ऊंची ना के उसकी गर्दन उड़ा दूंगा तो इसके मतलब बात तो बिल्कुल पक्की। तो वो मुझे डरा रहे हैं कि उसमें दोनों शरीक थे देवबंदी भी और हदीस भी, मुझे अल्लाह ने तौफीक दी कि मैंने कहा कि इतना पक्का मसला है तो इसको कबूल करो। तो ये अल्लाह ताला की तौफीक है, जब अल्लाह चाहता है ना किसी बंदे के ऊपर एहसान करना, ख्याल करना, उसको अपने दीन की समझ देता। सही बुखारी की हदीस भी है ना, मैं युरिदिल्लाह बिही खैरा युफक्किहु फिद्दीन, अल्लाह पाक जिसके साथ खैर का इरादा करता है उसको दीन की समझ देता है। ये नहीं कहा युफक्किहु आरा अबी हनीफा, ये नहीं अल्लाह के नबी ने फरमाया कि जिसके साथ खैर का इरादा करता उसको इमाम हनीफा की आरा की समझ देता, ये नहीं फरमाया। युफक्किहु फिद्दीन, उसको दीन की समझ देता है। दीन क्या है, इन्नद्दीन इंदल्लाह, हाँ दीन इस्लाम है और इस्लाम मुकम्मल हुआ
नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर अल यौम अकमलतु लकुम दीनकुम, तो वो दीन कुरान और सुन्नत में है तो अल्लाह उसको कुरान समझ की समझ देता है। तो तकरीर की इब्तिदा में गुमन साहब ने कहा जी ये दौलता नगर जो है ना, पहला ये कस्बा डाम में ये अहले सुन्नत वल जमात अहले हदीस लिखा हुआ पड़ा, पूरे मुल्क में मैं घूमा हूं कहीं भी नहीं। मेरे भाइयों ये अहले सुन्नत वल जमात और अहले हदीस बोल दो ना पहले लगा ये दोनों मुतरादिफ सुन्नत और हदीस दोनों मुतरादिफ लफ्ज़ है। मैंने हवाले अंबियों पर ही देने आज ताकि चलो हमारी नहीं मानते तो अपनी तो मान लें। ये मेरे हाथ में किताब है मौलवी सरफराज सफदर की खज़ाइन सुन्नत पहली जिल्द है, इसका जो इब्तदाइया ने इसमें लिखा है गौर कीजिए हदीस हजरत मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कौल व फेल और तकरीर को है। हदीस किसको कहते हैं? नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का कौल फेल और कौल से मुराद आपका कलाम इरशाद हुक्म, फेल से मुराद आपका अमल, तकरीर से मुराद इधर तो तकरीर से मुराद के आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने किसी साहबी ने कोई अमल किया और आपने मना नहीं किया उसको बरकरार रखा, आपका कौल हो फेल हो और तकरीर इन तीनों को क्या कहते हैं? हदीस। आगे लफ्ज़ सुन्नत कहता है बाज़ मुहद्दिसीन के किराम के नजदीक लफ्ज़ हदीस और सुन्नत मुतरादिफ अल्फाज़ हैं। मुतरादिफ का माना दोनों का मतलब एक है, सुन्नत और हदीस दोनों एक को ही कहते हैं। आगे सुनिए और बाज के नजदीक लफ्ज़ हदीस सिर्फ कौल पर और सुन्नत हर से कौल व फेल व तकरीर पर इतलाक होता है। कहते हैं बाज का सुन्नत का इतलाक तीनों पर होता है कौल फेल और तकरीर, और हदीस का इतलाक भी कौल फेल और, तो सुन्नत और हदीस का मतलब क्या हुआ? दोनों एक। तो अहले सुन्ना और अहले हदीस का मतलब क्या हुआ? एक ही माना है, मुतरादिफ अल्फाज है। चलो हमारे नहीं मानते तो इमाम हनीफा की तो ना रद्द करो। ये अल मीज़ान अल कुबरा ये अलामा शारानी की ये किताब है, इसका सफा 58 है। इमाम अबू हनीफा का मैं एक कॉल पेश करने लगा और जरा गौर करें। सफा 58 पे लिखा है दखल अलैहि मर्रतन रजुल मिन अहलिल कूफा, इमाम अबू हनीफा के पास एक मर्तबा आले कूफा में से एक आदमी आया वल हदीस युकरा इंदहू, और इमाम अबू हनीफा के पास हदीस पढ़ी जा रही थी। लफ्ज़ के वल हदीस युकरा इंदहू, इमाम साहब के पास हदीस पढ़ी जा रही थी। फकाल रजुल, वो आदमी ने कहा दऊना मिन हादिल अहादीस, हदीसों को छोड़ दो। इमाम अबू हनीफा के पास हदीस पढ़ी जा रही थी तो कूफी ने कहा इन हदीसों को छोड़ दो। फज़जरहुल इमाम व शद्दज़ ज़जर, इमाम अबू हनीफा ने उसको अच्छी तरह डांटा। वक़ाला लहू, और उस आदमी से कहा, पीछे लफ्ज़ था हदीस पढ़ी जा रही थी, उसने कहा हदीसें छोड़ो, तो इमाम अबू हनीफा ने क्या कहा? लौला सुन्नत मा फहिमा अहद मिनल कुरान, अगर सुन्नत ना होती तो हम में से कुरान को ना समझता। जिसको हदीस कह रहे हैं उसी को इमाम अबू हनीफा क्या कह रहे हैं? सुन्नत कह रहे हैं। तो हदीस और सुन्नत एक ही चीज के दो नाम है, और मुहद्दिसीन ने बकायदा अहले सुन्ना वल जमाअ और अहले हदीस ये दोनों लफ्ज इस्तेमाल किए हैं और दोनों का मतलब एक ही है। मिसाल के तौर पर ये किताब है अकीदे की, इमाम अबू उस्मान इस्माइल बिन अब्दुर्रहमान साबुनी ये बहुत बड़े मुहद्दिस गुजरे हैं,
373 हिजरी के में पैदा हुए थे और 449 में इनकी वफात हुई। रिसाले का नाम है देखो, अकीदत सलफ व सहाबुल हदीस, ये नामों पर क्या और अब रिसाला तो फिर एतिकाद अहले सुन्ना व असहाबुल हदीस, अहले सुन्ना और असहाबुल हदीस के अकीदे के बाद अहले सुन्ना और असहाबुल हदीस, अहले हदीस एक ही नाम है इस किताब के अंदर। बकायदा इन्होंने इस बात की वजाहत भी की है, ये सफा 36 है इसका, सफा 36 के ऊपर बकायदा इसकी तौसी मौजूद है। और इमाम इब्ने तैमिया रहमतुल्लाह अलैह का एक कौल इसके मुहक्किक ने इसके नीचे दर्ज किया है, तो उसने कहा ना, यह कहते हैं कि हम हैं अहले हदीस और हम अहले सुन्ना है, तो हदीस की किस्में बड़ी होती है। तो दो सवाल उसने कहा ना इनसे पूछो कि तू सच्चा अहले हदीस है कि झूठा अहले हदीस है, कहता हदीस की किस्में होती है ना, कि हदीस सही भी होती है, हदीस हसन भी होती है, हदीस ज़ईफ भी होती है। कहता हदीस की 16 किस्में, कितनी? 16। ये उसने बयान किया। कहते इनसे पूछो कि तू अहलो सही हदीस है, अहलो ज़ईफ हदीस है, अहलो मौजू हदीस है, अहलो मुनकर हदीस है, अहलो मोजर हदीस है, तू कौन सा हदीस है सच्चा के? यही सवाल को आगे दिया ना अपनी कौम को, तो हम बताते हैं हम कौन से हदीस है। पहली बात तो ये है कि ये बोला ही उसमें झूठ है, जाहिल आदमी है। उसने कहा हदीस की कितनी किस्में? 16। हदीस की 16 किस्में उसने बयान की। चलो बाकी मैं मुकदमा इतने सलाह या इमाम इब्ने कसीर वगैरह की बात अभी नहीं करता, सिर्फ अनबियों की बात करता हूँ। ये खज़ाइन सुनन के अंदर ना मौली सरफराज अफजल की जो किताब है इसने 39 किस्में बयान की, 16 गुना 32 16 से डबल या 7 और ऊपर कह लो 39 किस्में। अब बंदा इससे पूछे भाई मौली सरफराज अफजल सच्चा है या तू सच्चा है, दोनों में झूठा कौन है? तू 16 बताता है, वो कहता है 39। हम कहते हैं इसकी तहदीद कोई नहीं है, इससे भी बढ़ भी सकती है, कम ही इस तरह हाथ है जिस तरह इमाम इब्ने कसीर ने अपने उसूल हदीस के रिसाला में कहा। तो कहते सुन्नत की कोई किस्म नहीं होती, सुन्नत की कोई किस्म नहीं होती। हालांकि जब इमाम हनीफा के नजदीक भी, सरफराज सफदर के नजदीक भी हदीस और सुन्नत एक चीज के दो नाम है, जो हदीस की किस्में बड़ी हुई सुन्नत की किस्में भी बनी। और इस बेचारे को पता नहीं है ना, जाहिल आदमी आप चैलेंज करते ही मेरे साथ मुनाजरा करो, कभी उसूल हदीस इसने पढ़ा होता तो उसको पता होता कि मुहद्दिसीन ने हदीस के लफ्ज से भी किस्में बयान की और सुन्नत के लफ्ज से भी किस्में बयान की। ये इफाफत इराकी का अल्फिया, अल्फिया के तो हजार शेर उन्होंने उसूल हदीस में लिखे जिसको अल्फिया इराकी कहते हैं। और इसके साथ इसकी शरह है ये अबू यहया ज़करिया बिन मोहम्मद अल अंसारी की फतहुल बाकी बेशर अल्फिया के इराकी, ये अकसाम हदीस पर उनवान है, सफा 45 है। अब गौर कीजिए इबारत पे, वह अहलो हाद शान कसम सुनन, अहलो हाद शान ये जो हदीस जानने वाले लोग हैं ना उन्होंने कसम तकसीम की है, किसकी? अस सुनाना, सुनतों की तकसीम की। मुहद्दिसीन ने किसकी तकसीम की? सुन दिया। ये नहीं कहा कि अहले हदीस ने कसम अल अहादीस, यूं नहीं फरमाया कि इल्म हदीस वाला